आप देख रहे हैं दखल न्यूज। एक डॉक्टर के साथ मारपीट कर 14 महीने से फरार चल रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला बुधनी का है। आरोपी ने अपनी भांजी की मौत के बाद डॉक्टर की पिटाई लगा दी थी। बुधनी में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वीवी देशमुख के साथ मारपीट करने वाला आरोपी राकेश तनेजा उर्फ कालू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 14 महीने से फरार चल रहा था। उसका साथी अब भी फरार बताया जा रहा है। आरोपी कालू तनेजा की भांजी रितिका घर से निकलकर स्कूल बस की ओर जा रही थी। उस वक्त पीछे से आ रहे ट्रक ने छात्रा रितिका को टक्कर मार दी थी, जिससे छात्रा को गंभीर चोटें आई थी। छात्रा को राहगीरों एवं परिवार के लोगों ने बुधनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार के बाद होशंगाबाद रेफर कर दिया गया था। शहर का काफी बहुप्रतीक्षित मामला था, बहुचर्चित मामला था। यहाँ के BMO जो डॉक्टर देशमुख है, उनके साथ कुछ लोगों ने एक तात्कालिक घटना के चलते मारपीट की थी। उनमें से एक जो मुख्य आरोपी है राकेश तनेजा, करीब 14 महीने से वो फरार चल रहा था। उसको आज हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको कल हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। होशंगाबाद में उपचार करते वक्त छात्रा रितिका की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही कालू तनेजा और उसके साथी बुधनी अस्पताल पहुंचे और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ मारपीट की। ऑफिसर के द्वारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर FIR दर्ज कराई गई। जब से ही आरोपी फरार चल रहा था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।